हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं दो स्पेशल समर ड्रिंक। पहले हम बनाएंगे कोकोनट और पाइनएप्पल से पिना कोलाडा और दूसरा हम बनाएंगे कुकुम्बर कूलर। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। पिना कोलाडा बनाने के लिए हमें एक मलाई वाला नारियल चाहिए, जिसे कट करके हमें उसमें से पानी और मलाई निकालना है। मैंने नारियल से मलाई और पानी निकाल ली है। आपको यहाँ पे पाइनएप्पल के दो स्लाइसेस कट कर लेना है और अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। अब हमें मिक्सर जार में कटे हुए पाइनएप्पल के पीसेस डालना है। मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 पाइनएप्पल स्लाइस डाला है। अब हमें इसमें उतनी क्वांटिटी में नारियल की मलाई डाल देनी है। अब हमें इसमें 2 चम्मच शुगर डालनी है और हमें डालना है 1/2 बाउल फ्रेश क्रीम। अब हम इसमें थोड़े से आइस क्यूब डाल देंगे और हमने जो नारियल पानी निकाला था वो इसमें 1/2 ग्लास डाल देंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। अब इसे सर्व करने के लिए एक ग्लास ले लीजिए और फिर उसमें थोड़े से आइस क्यूब डालना है। अब हमारा ब्लेंड किया हुआ पिना कोलाडा ऊपर से डाल दीजिए। आप चाहिए तो इसे छान के ले सकते हो, लेकिन पल्प के साथ ही पीने में ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। और गार्निश करने के लिए ग्लास पे एक पाइनएप्पल स्लाइस लगा देंगे। और इस तरह से हमारा पहला ड्रिंक पिना कोलाडा रेडी है। तो चलिए बनाते हैं अब हमारा दूसरा ड्रिंक कुकुम्बर कूलर। हमें यहाँ एक फ्रेश कुकुम्बर काट लेना है और गार्निश के लिए कुछ लंबे स्लाइसेस भी काट लेना है। कुकुम्बर के स्लाइसेस और थोड़ा पानी मिक्सर जार में डाल के उसे थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। अब एक प्लेट में थोड़ा सा साल्ट और रेड चिली पाउडर स्प्रेड कर लीजिए। ग्लास के एज को थोड़ा सा नींबू लगा के साल्ट और चिली पाउडर से थोड़ा सा कोट कर लीजिए। अब एक ग्लास में एक नींबू का स्लाइस और थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दीजिए और ऊपर से 1/2 नींबू का जूस डाल दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डाल के मडलर से उसे मडल कर लीजिए। अब ग्लास में थोड़े से आइस क्यूब डाल दीजिए। और ऊपर से थोड़े कुकुम्बर के स्लाइसेस डाल दीजिए। अब हमें ऊपर से ग्राइंड किए हुए कुकुम्बर का जूस डालना है। हमने जो गार्निश करने के लिए कुकुम्बर का स्लाइस निकाला था उसे भी साल्ट और चिली पाउडर लगा लेंगे और गार्निश करने के लिए ग्लास पे रख देंगे। और इस तरह से हमारा कुकुम्बर कूलर रेडी है। आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती है मुझे कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।